मुल्क कैनेडा ने एक खौफनाक रूप धार लिया। पंजाबियों के नाम लगातार इस दे विच सामने आ रहे हैं। तो दस दिए कि कैनेडा के पंजाबियों के गढ़ मने जाते ब्रैम्पटन सिटी तो एक बेहद ही हौलनाक घटना सामने आई है। इत्थे एक पंजाबी व्यक्ति नूं कतल के मामले दे विच गिरफ्तार कर लिया गया। नव निशान सिंह नाम के इस व्यक्ति जिहड़ा 43 साल का है उसने चाकू मार के हत्या कर दिती है। जानकारी मुताबक बीती शाम लगभग 6 बजे के करीब अपील रीजन पुलिस ने ब्रैम्पटन सिटी विखे चैरी ट्रीट ड्राइव और स्पैरो कोर्ट के नेड़े स्थित स्पैरो नामी पार्क के डॉक्टरी सहायता के लिए 911 से कॉल प्राप्त हुई सी। उस तो बाद अपील पुलिस और ब्रैम्पटन फायर और पील पैरामेडिक्स के वलों घटना स्थान पर पहुँच के एक औरत जो कि हमले का शिकार हुई सी उसनु बचाने के यत्न तो किए गए पर उस औरत ने मौके पर ही दम तोड़ दिता। मामले की जांच करने तो बाद औरत की पहचान ब्रैम्पटन की रहने वाली 43 साल दविंदर कौर वजों हुई है। पुलिस ने घटना वाली थान तो थोड़ी दूरी 44 साल पंजाबी व्यक्ति जिसका नाम नव निशान सिंह है जिहड़ा कि दविंदर कौर के कतल के दोष के लभ के गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फर्स्ट डिग्री कतल का दोष लाया गया जिसनू ओंटेरियो कोर्ट ऑफ जस्टिस के पेश भी किया जाएगा। कतल के कारण हजे जांच अधीन दे विच ने। लगभग 7 लाख लोगों का शहर है ब्रैम्पटन कैनेडा दे विच पंजाबी भाईचारे की सब तो वड्डी कागरता है इत्थे अते इत्थे दिन दिहाड़े पार्क दे विच घटना वापरी है। Peel Police alongside Peel EMS responded to this park in relation to an assault call. Officers arrived on scene and located an adult female suffering from obvious signs of trauma. Peel police officers alongside paramedics commenced life-saving efforts. However, the female was pronounced deceased on scene. Shortly thereafter, in the vicinity approximately 2 kilometers away, an adult male was taken into custody and has been secured. So at this time, there is no threat. कैनेडा के अंदर गुंडागर्दी दी घटनावां शरेआम वधदियां जा रही ने। ब्रैम्पटन का नाम सब तो सिखरां ते है। इस वेले नौजवानों वालों शरेआम अजिहियां घौणियां वारदातों नूं अंजाम भी दिता जा रहा है। उधर इस तरह दी लड़ाइयां तो कैनेडा वसदे पंजाबी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुताबिक तो जेकर सरकार ने सख्ती कर दिती तो इसका खामियाजा स्टूडेंट वीजे से आने वाले नवे विद्यार्थियों को सब तो वध भुगतना पवेगा। उत्थे लखां रुपए खर्च के चंगे भविख लई कैनेडा गए पंजाबी मुंडे कैनेडियन मुल्क के कानून दियां धज्जियां भी उड़ा रहे ने। दूजे पासे पंजाबी नौजवान पढ़ाई च घट पर गुंडागर्दी दे विच वध दिलचस्पी दिखा रहे ने। प्रवास दे विच काम किते बिना गुजारा तां हुंदा नहीं। उत्थे वर्क कल्चर है। मेहनत करन दी थां अल्लड़ उमर दे बच्चे शॉर्टकट मार के अमीर बनन दे सुपने सरजदे ने। इह गर्म खून भी है जिहड़ा कि सड़कां दे उत्ते लगातार वीडियोज़ वायरल सामने आउंदियां ने। तां पता लगता है कि किवें इह नौजवान हुल्लड़बाजियां ते लड़ाइयां कर रहे ने। फिर उह गैंगस्टर अते नशियां दे कारोबारां दे चंगल च वी फस जांदे ने। इह मुद्दे लगातार इन्ने क ज़्यादा भख गए ने कि पंजाबीयत नूं शर्मसार होना पै रिहा। मुठ्ठी भर अजे नौजवानों की वजह तो अजे पंजाबियों के वजह तो पूरे भाईचारे नमोशी का सामना करना पै रहा है। कितने अगे जाके ये समा ना आ जाए कि जो एयरपोर्ट से कोई पंजाबी उतरे तो उसकी जांच अलग तो हो कि साडे देश दे विच आके यानी कि कैनेडा दे विच आके कोई गलत काम तो नहीं करेगा। पंजाबियों को शक की नज़र न देखा जाएगा। जेकर इन घटनावां ते हुण ही कोई रोक ना लगी तो आने वाला भविख जरूर ऐसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।